You say that I'm psychotic, but then you like it like that. Swiss Beauty is one of my favorite affordable makeup brand because they bring out quality products at affordable prices. So guys, आज की वीडियो में we're going to test out a full face of Swiss Beauty makeup products. Also, Swiss Beauty has launched some new makeup products. So आज की वीडियो में we're going to test them out and see whether you should purchase them or not. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं. But उससे पहले guys, if you have not subscribed, then please do. It is absolutely free and it really motivates me to bring more videos for you. और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे then please give it a thumbs up. So let's get started. So I'm a little low on energy today because I'm not feeling well, but nevertheless, let's start with our makeup. So पहले we're going to do our eyebrows, and eyebrows के लिए I'm going to use my favorite eyebrow pencil, which is this Swiss Beauty eyebrow pencil. This is one of those things जो कि मैं regularly use करती हूँ और बहुत time से use करती आई हूँ. This retails only for I think 60 or 70 rupees. इस pencil से eyebrows fill करना बहुत ही easy है. I think it is very good for beginners because it has just the right amount of pigmentation, so you cannot really go wrong with it. तो गाइस आईब्रोज आर डन, तो मैंने थोड़े से भी डार्क ही फिल किए हैं. तो हम मेकअप फिनिश करेंगे, कंसीलर पाउडर सब अप्लाई करेंगे, ये लाइटर हो जाएंगे. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर बेस मेकअप. एंड बेस मेकअप के लिए सबसे पहले वो प्राइमर आई हैव दिस स्विस ब्यूटी पर्ल इल्यूमिनेटर. बेसिकली दिस इज एन इल्यूमिनेटिंग प्राइमर, इट गिव्स अ वेरी नाइस ग्लो टू योर फेस. सो दिस इज नॉट अ न्यू प्रोडक्ट, ये तो काफी पुराना और काफी पॉपुलर स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट है. सो द शेड दैट आई हैव इन दिस इज 01 गोल्डन पिंक. ऑल्सो दिस से that this is a dupe of the MAC Strobe cream, so jaldi se isko apply kar lete hain. So this has a very nice golden and pink reflex and it gives a very nice glow to your face. So you can see how my face looks very nice and glowy, but does not feel very oily, which is a good thing. So you can definitely use this in summers as well. Now we come to a new makeup launch by Swiss Beauty, which is this Swiss Beauty Studio Finish foundation. So this is a फुल कवरेज फाउंडेशन बाय स्विस ब्यूटी. एंड ये क्लेम करते हैं वॉटर रेजिस्टेंट, स्वेट प्रूफ, फुल कवरेज, इट रिड्यूसेज द लुक ऑफ पोर्स ऑन योर फेस एंड इट हैज अ नेचुरल मैट फिनिश. सो इसको अप्लाई करके देखते हैं. इन्हें पैकेजिंग की अगर बात करें, सो दिस इज अ ग्लास बॉटल, सो इट डेफिनेटली मेक्स इट लेस ट्रैवल फ्रेंडली. बट द गुड थिंग इज इट हैज अ पंप, सो आप इजिली प्रोडक्ट और राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिस्पेंस कर सकते हो इससे. सो आई एम गोना टेक टू पंप्स ऑफ दिस. विद दिस ब्रश आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन माई फेस. So always apply it to your neck as well. The shade that I have in this is 02 Ivory Fair and it definitely is a very yellow tone shade. अभी तो बहुत येलो लग रहा है फेस के ऊपर, ब्लेंड करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है. सो आई एम यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड दिस. This is how one side of my face looks blended. So definitely आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया है. अभी तो मुझे कोई भी क्रीजिंग नहीं दिख रही है अपने फेस के ऊपर. बिकॉज मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया था तो थोड़ी सी कवरेज तो ब्यूटी ब्लेंडर कम कर देता है, बट स्टिल इट हैज अ गुड मीडियम कवरेज. और डेफिनेटली यू कैन बिल्ड इट अप एंड मेक इट मोर फुल कवरेज. आई थिंक अगर आप ब्रश यूज करोगे तो ज्यादा कवरेज आएगी. होने के बाद दैट येलो कलर इज ऑल्सो लुकिंग फाइन ऑन माई फेस, इट्स नॉट लुकिंग वेरी ऑड. ऑल्सो एज दे क्लेम इट हैज अ नेचुरल मैट फिनिश, यू कैन स्टिल सी द ग्लो ऑन माई फेस. माई फेस इज नाइस एंड ब्लेंडेड एंड आई हैव टू से इट एक्चुअली लुक्स रियली रियली नाइस. बहुत ही स्मूथली ये ब्लेंड हुआ है. इसको मैंने फेस पे अपने रेस्ट भी किया था, ऐसा नहीं था कि ये क्रीज करने लगे उसके बाद. एकदम नेचुरल मैट फिनिश है, ओवर द टॉप मैट नहीं है, जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ नेचुरल मैट. एंड डेफिनेटली आई कैन फील इट हैज रिड्यूस द अपेयरेंस ऑफ द पोर्स ऑन माई फेस. सो ओवरऑल अभी आई एम डेफिनेटली रियली लाइकिंग दिस फाउंडेशन. ऑल्सो गाइज द प्राइस ऑफ दिस फाउंडेशन इज 799 रुपीज, बट ये ऑन सेल था अमेजोन पे तो आई गॉट दिस फॉर 700 रुपीज समथिंग और 719 रुपीज something. So definitely Swiss Beauty बहुत बार सेल पे भी रहती है, you can grab this when it is on good offers. So another new makeup launch by Swiss Beauty is this Swiss Beauty full coverage concealer. So the shade that I got is 06. So this comes in a glass tub packaging. The packaging is nice, does not look cheap at all. This shade has a pink undertone. So I think ये जो मेरा yellow foundation है थोड़ा सा ये इसको balance out कर देगा. This concealer I got for 189 rupees. So this feels very very creamy. So इसको apply करके देखते हैं. So
So let's just blend out everything quickly. So the concealer is nice and blended on my face. So this shade specifically is definitely a nice brightening shade for my skin tone. So अगर concealer की बात करें तो बहुत अच्छे से blend हुआ है and coverage भी इसकी medium to full है. Crease नहीं हो रहा है फिलहाल, तो blendability is definitely nice. The only thing that I am not a big fan of is this tub packaging, because मुझे ये packaging इतनी hygienic नहीं लगती है and because हमने already एक full coverage foundation के ऊपर इसको लगाया है तो हम इसकी coverage बहुत ज़्यादा अभी test नहीं कर सकते. When you will apply this on its own without any product beneath it, I think then इसकी coverage ज़्यादा अच्छे से पता चलेगी, but overall as of now I am really liking it. Also this settles into matte finish. So that's a good thing. So definitely you can use this in summers. इसे हम अपना face set कर लेंगे using this Swiss Beauty Prime and Set Primer and Mattifying Setting Powder. So ये मुझे काफी अच्छा लगता है. So this is basically a translucent white powder. ये ना काफी अच्छे से आपके pores को minimize कर देता है, face को अच्छे से set कर देता है without making it dry. And बहुत ही कम actually आपको amount चाहिए होता है इसका to set your face. This is one of the translucent powders which I actually really like. So, अभी हमारा फेस एकदम ब्लैंक लग रहा है. वी नीड टू एड सम कलर टू दिस. मेरे पास स्विस ब्यूटी का कोई ब्लश नहीं है, बट आई हैव दिस स्विस ब्यूटी अल्टीमेट आई शैडो पैलेट. सो इसी को मैं एज अ ब्लश यूज करूंगी. सो ये चारों शेड्स पिक्स करके मैं इसको एज अ ब्लश अप्लाई कर लूंगी. दिस इज एक्चुअली अ वेरी नाइस हैक. अगर आपके पास ब्लश ना हो तो आप किसी भी अच्छे पीच, ऑरेंज, रेड, पिंक, रस्ट आई शेडो को एज अ ब्लश अप्लाई कर सकते हो. सो ब्लश इज डन. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट शो यू समथिंग कि थोड़ा सा मेरे अंडर आइज में आप देख सकते हो यहाँ पे क्रीजिंग हो रही है. इस वाले में नहीं हो रही है, बट इस वाले में हो रही है. तो बिकॉज माई अंडर आइज डू हैव क्रीजेज इन देम, सो तो क्रीजिंग हो सकती है. ऑलवेज ब्लेंड दिस आउट एंड करेक्टेड. नेक्स्ट वी गोइंग टू अप्लाई हाईलाइटर. सो हाईलाइटर के लिए मेरे पास स्विस ब्यूटी का ही आई शेडो पैलेट है. सो दिस इज वन ऑफ माई फर्स्ट आई शेडो पैलेट एंड ये काफी पुराना पैलेट है मेरा. सो बहुत ही अच्छे न्यूट्रल शेड्स हैं इसके अंदर. सो इसके अंदर ये वाला जो शेड है ना, इसको बहुत यूज किया है पहले एज अ हाईलाइटर एंड यू कैन सी आई हैव हिट पैन ऑन दिस. सो इसी को मैं अप्लाई करूंगी एज माई हाईलाइटर. फेस अ वेरी नाइस ग्लो फ्रॉम विद इन. सो फॉर लिपस्टिक आई एम एक्चुअली गोना डू अ हैक. सो मैंने एक हैक देखा था इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी देखा था कि अपने आईब्रो पेंसिल को आपको एज अ लिप लाइनर अप्लाई करना है कि ब्लश को आपको सेंटर में फिर अप्लाई करना है. सो आज की वीडियो में इसको ट्राई आउट करके देख लेते हैं इफ इट वर्क्स. That's my eyebrow pencil and it looks very weird right now. So I'm gonna take this color here और इसको मैं अपने lips पे apply करूंगी. So guys, this is how it looks like. So मैंने एक्चुअली ना इसको थोड़ा सा क्लीन कर लिया है कंसीलर की हेल्प से, बिकॉज ये यहाँ यहाँ से हर जगह से बाहर आ गया था बिकॉज ऑब्वियसली पाउडर था. ओवरऑल दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट लुक्स नाइस, बट मैं एक्चुअली इतने डार्क कलर्स लगाती नहीं हूँ, सो मुझे थोड़ा सा और लग रहा है अपने फेस के ऊपर. बट नेवरदरलेस इट डज नॉट लुक बैड. आई डोंट थिंक दिस इज लाइक द परफेक्ट न्यूड फॉर माई स्किन टोन एज दे क्लेम्ड इन द वीडियो. सो मैंने थोड़ा सा इसको लाइट कर लिया है बाय एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ कंसीलर इन दिस एंड आफ्टर I just cracked my shadow palette. So as I was saying, I added a little bit of this red color inner of my lip. Recently, Swiss Beauty also launched this Swiss Beauty pop eye style liner. They claim this has 8-hour stay. I got it in the color 02 neon pink. So इसको apply करके देखते हैं eyes पे. Also, I'm going to try to create a graphic liner. मैंने actually पहले कभी नहीं बनाया है, but let's just try it. Price of this is very affordable. I got this only for ₹149. So this is how the shade looks like. It's a very bright neon pink color. So my graphic liner is done. It is not the best and not the prettiest graphic liner, but yes, it is something. And because I'm doing it for the first time, so never mind. I'm going to add a little bit of this Swiss Beauty glitter also to this. अपने eyes के corners में मैं थोड़ा थोड़ा सा ये Swiss Beauty glitter add कर दूंगी.
These are really nice glitters at very affordable prices. बहुत सारे colors में आते हैं and they actually perform really nice. The nice pigmented eyeliner sets into nice and matte finish. अभी तो बिल्कुल भी transfer नहीं हो रहा है, so definitely it is transfer proof and smudge proof. ज्यादा duration के लिए last करेगा कि नहीं, that I cannot say as of now. Apply करते हुए थोड़ा थोड़ा बीच में streaky हो रहा था, मुझे double application करना पड़ा है इसका. So overall if you want to try some nice fun colors, you can definitely try this liner. This last step is going to be lashes, and lashes के लिए I'm going to use this Swiss Beauty 3D Studio Effect Cat Eye Eyelashes. I really like these Swiss Beauty lashes. बहुत ही affordable है ये lashes. Band बहुत ही पतला होता है और बहुत ही natural लगती है ये apply करने में. बहुत ही easy to apply होती है, बहुत ही lightweight होती है. So if you're looking from some nice, lightweight, natural looking, affordable lashes, you definitely try these Swiss Beauty ones. So guys, lashes are on and with this we complete our makeup look. So overall in the end I think the makeup look has turned out very nice, very pretty. Especially the base is looking very nice, very seamless, natural, glowy, and even this eyeliner is looking very pretty. Also wo jo humne lipstick hack kiya tha, I think it actually worked out really pretty. Thode bahut mujhe usme apne changes karne pade and apna eyeshadow khona pada, but in the end I think this lip shade is looking very pretty and very flattering, and इससे मेरे लिप्स थोड़े से प्लम्प भी लग रहे हैं. आई थिंक आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू दिस लिपस्टिक हैक अगेन बिकॉज आई एक्चुअली रियली लाइक्ड इट. सो ओवरऑल विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. एंड गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, यू कैन पर्सनली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर आप कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट एवरी टाइम आई पोस्ट अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.